फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप अपने जीमेल का पासवर्ड भूल जाते हैं और आपने कई सारी वीडियो देख ली फिर भी आपको पासवर्ड नहीं मिला है, तो आपको मैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दूंगा कि आपको पासवर्ड कैसे मिल सकता है। तो आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना बिना स्किप किए हुए। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो आपका जीमेल एड्रेस होता है आप उसे कई माध्यम से अपने मोबाइल फ़ोन में लॉगिन कर सकते हैं। आप यूट्यूब के माध्यम से, जीमेल ऐप के माध्यम से, सेटिंग के माध्यम से, गूगल के माध्यम से और कई सारे ऑप्शन हैं। तो आपको मैं आसान तरीका बताता हूँ। तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन से जीमेल का एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे आप इतना ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको इस प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ आप देखेंगे ऐड अनोदर अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर गूगल का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद चेकिंग इन्फो होगा अपने, अगर आपने अपने फ़ोन में फ़ोन लॉक या फिंगर का यूज किया तो आपको एक्सेस दे देना है। जैसे आप एक्सेस देंगे तो आपके सामने एक पेज आएगा, उस पेज पे आपको अपना जीमेल एड्रेस फिल करना है। आप यहाँ देखेंगे गूगल साइन इन ईमेल और फ़ोन नंबर, यहाँ पे दो मतलब होता है कि अगर आपको जो आपका जीमेल एड्रेस है अगर वो याद है आपको वो फिल कर देना है। अगर आपको ये याद है कि मैंने इस मोबाइल नंबर से अपना जीमेल एड्रेस बनाया था, अगर अपना जीमेल एड्रेस भूल जाते हैं तो आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर फिल करना जिससे आप बनाए थे। तो यहाँ पर अपना मैं जीमेल एड्रेस फिल करता हूँ। इसके बाद आगे हम देखेंगे कैसे पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। जीमेल एड्रेस फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आएगा। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ दिया है इंटर योर पासवर्ड। तो आपको यहाँ क्या करना, पासवर्ड तो आपको याद नहीं है तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना। जैसे आप इतना करेंगे तो आपके सामने नीचे आ गया एक पेज, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर द लास्ट पासवर्ड दैट यू रिमेंबर यूजिंग विच दिस गूगल अकाउंट। तो अगर आपको कुछ याद आ रहा कि मेरा पासवर्ड ये हो सकता है तो आप वहाँ यहाँ फिल कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा तो आपको ट्राई अनोदर वे पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आएगा अकाउंट रिकवरी का, दिस हेल्प्स टू शो दैट दिस अकाउंट रियली बिलोंग्स टू यू, और नीचे आपका जीमेल एड्रेस लिखा होगा। तो यहाँ आप आएंगे, यहाँ आने के बाद यहाँ देखेंगे गेट ए वेरीफिकेशन कोड। आपको यहाँ पर पूरा आसानी से समझा दूंगा, दो तरीके आपको बताऊँगा कैसे आप कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि टू गेट ए वेरीफिकेशन कोड फ्रॉम फर्स्ट कन्फर्म द फोन नंबर दैट यू एडेड टू योर अकाउंट, नीचे डॉट डॉट 29। तो यहाँ से एक चीज़ ये याद होती है कि आपका जो जीमेल एड्रेस बना हुआ है और ये मोबाइल नंबर से बना हुआ जिसके अंतर में 29 है। तो अगर आपके पास जिस भी मोबाइल नंबर से आपने अपना जीमेल एड्रेस बनाया था, जो मोबाइल नंबर यहाँ शो होता है अगर आपके पास है तो आप उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे, इसके बाद सेंड कर देंगे। उस पर एक OTP जाएगी, OTP आपको यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद एक आप यहाँ नया पासवर्ड जनरेट कर पाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। ये तो पहला स्टेप था। अगर आपके पास मान लीजिए मोबाइल नंबर नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना कि अगर आपने जब अपना जीमेल अकाउंट बनाया था वहाँ पर कोई दूसरी रिकवरी मेल का यूज किया था, जैसे कि आप दुकान में नई सिम लेने जाते हैं तो नई सिम लेने से पहले एक दूसरा नंबर देना पड़ता है, ठीक वैसे ही अगर आपने जब अपना जीमेल अकाउंट बनाया था वहाँ पर कोई दूसरी जीमेल आईडी डाली थी तो वहाँ पर रिकवरी करके वहाँ पर पासवर्ड बना के जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों तरीके नहीं तो आप मुश्किल है कि अपना पासवर्ड रिकवर कर पाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा तरीका मुझे नहीं लगता कि होगा कि आप पासवर्ड प्राप्त कर सकें। आपको मैंने दोनों लीगल तरीके बताएं कि आप किस तरीके से पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।